नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायर बुलेटिन में। मैं हूँ ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नानावती अस्पताल से वरवरा राव की हेल्थ रिपोर्ट पेश करने को कहा। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने के लिए याचिका दायर। असम में अखिल गोगोई की रिहाई और CAA वापस लेने की मांग को लेकर पूरे राज्य में प्रदर्शन। और देश में कोरोना वायरस से लगभग 10 लाख मरीज ठीक हुए। और अब खबरें विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कवि एवं सामाजिक कार्यकर्ता वरवरा राव की हेल्थ रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करने को कहा है। बता दें कि कोरोना संक्रमित वरवरा राव फिलहाल मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। जस्टिस RD धनुका और जस्टिस VG बिस्ट की पीठ ने दरअसल उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने को चुनौती देने वाली वरवरा राव की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान अदालत को ये निर्देश दिया। इसके साथ ही इस याचिका में अदालत से ये भी मांग की गई है कि वो तलोजा जेल प्रशासन को ये निर्देश दे कि दरअसल वरवरा राव के हेल्थ से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी उनके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो अदालत के सामने साझा की जाए। इसके साथ ही ये भी निर्देश देने की मांग की गई कि 2 जून को कथित तौर पर JJ अस्पताल से जल्दबाजी में वरवरा राव को जेल अस्पताल में शिफ्ट करने से संबंधित जितने भी कदम उठाए गए हैं जेल प्रशासन की तरफ से, उनका भी पूरा ब्यौरा जो है वो अदालत के सामने पेश किया जाए। बता दें कि इस मामले में वरवरा राव की पैरवी कर रहे उनके वकील सुदीप पासवाला ने कहा है कि वरवरा राव लगभग मृत्युशैया पर है और मुझे ये समझ नहीं आता कि दरअसल क्यों वरवरा राव की स्वास्थ्य को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर इतनी गोपनीयता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि आखिर ये गोपनीयता अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्यों बरती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वरवरा राव के वकील को ना तो जेल प्रशासन की तरफ से और ना ही अस्पताल की तरफ से किसी तरह की कोई जानकारी वरवरा राव के स्वास्थ्य को लेकर अब तक नहीं मिल पाई है। इसके बाद पीठ ने वरवरा राव के परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की मंजूरी दे दी। और अब अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष इन दोनों शब्दों को हटाने का अनुरोध किया गया है। दरअसल साल 1974 में 42वें संशोधन के जरिए इन दोनों शब्दों को ही संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, लेकिन अब एक याचिका दायर कर कहा गया है कि ये संशोधन जो है वो संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के भी खिलाफ हैं। इस याचिका में याचिकाकर्ता सवाल खड़े करते हुए पूछते हैं कि क्या धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की जो अवधारणाएं हैं वो राजनीतिक विचार हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली जो सुनवाई है वो 7 अगस्त को होगी। इससे पहले साल 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों ही शब्दों को, यानी संविधान की प्रस्तावना में इन दोनों शब्दों समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को हटाने की जो याचिका है वो खारिज कर दी थी और इन्हें संविधान की प्रस्तावना में बरकरार रखा था। और अब अगली खबर। असम में किसानों के संगठन कृषि मुक्ति संग्राम समिति यानी KMSS के सदस्यों ने अपने नेता अखिल गोगोई की रिहाई को लेकर, इसके साथ ही नागरिकता संशोधन कानून यानी CA को तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाने की मांग के साथ पूरे राज्य में प्रदर्शन किए। बता दें कि जो संगठन के सदस्य हैं, दरअसल उन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, नारेबाजी की, मानव श्रृंखला बनाई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि KMSS के सदस्यों की मांग है कि उनके नेता अखिल गोगोई को रिहा किया जाए, इसके साथ ही CA कानून को वापस लिया जाए। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित अखिल गोगोई जो हैं वो फिलहाल गुवाहाटी के अस्पताल में हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। उन्हें पिछले साल गुवाहाटी में CA कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और तब से वो जेल में ही हैं। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 50,000 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की जो संख्या है देश में वो बढ़कर 1,53,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। वहीं पर अब तक देश भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की जो संख्या है वो 34,285 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस से लगभग 10 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। देश का जो रिकवरी रेट है वो दरअसल 64.51% है। वहीं पर अगर बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के 1,69,00,000 से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 6,64,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में कोरोना वायरस से 40,00,000 से ज़्यादा मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि वहां पर जो लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस से वो 1,52,000 से ज़्यादा है। इसके बाद नंबर आता है ब्राज़ील का, जहां पर कोरोना वायरस के 24,00,000 से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि वहां पर जो लोगों की मौतें हुई हैं कोरोना वायरस से वो 88,000 से ज़्यादा है। इसके बाद नंबर आता है रूस का, रूस में कोरोना वायरस के 8,00,000 से ज़्यादा मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि वहां पर जो लोगों की मौतें हुई हैं कोरोना वायरस से वो 13,000 से ज़्यादा है।
साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि वहाँ पर जो मौतें हुई हैं वो 7,000 से ज़्यादा है। इसके बाद अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कोरोना वायरस के 3 लाख से ज़्यादा मामले तक सामने आ चुके हैं, जबकि 45,000 से ज़्यादा लोगों की जो मौत है वो कोरोना वायरस की वजह से ब्रिटेन में हुई है। इसके बाद बात करें पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि वहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो 5,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।